बड़ी खबर है सीधी से, जहां सीधी के हालात अब भगवान भरोसे लग रहे हैं। यह हम नहीं कही, यह सीधी के ताजा हालात कह रहे हैं। सीधी के हालात में सुधार तो है, संक्रमण की दर में रफ्तार तो कम है, किंतु हालात यह है कि यह लापरवाही दुगनी रफ्तार कह दी। यह हम नहीं कही, यह सीधी के हालात कहते हैं। अपना प्रोजेक्ट बताई दी कि हमारे साथ चल रहा वीडियो देखा तो यह कोरोना वार्ड सीधी की तस्वीर आए, जहाँ खुलेआम परिजन जो है कोरोना पेशेंटम के साथ बैठ के जो है उनका देख रेख कर रहे हैं। न कौनो पीपीई किट, न कौनो इंतजाम, कोरोना वार्ड नहीं लागल लाग है कि यह कौनो जनरल वार्ड आए, जहां कोरोना की गंभीरता के चलते लोगन का परिजनन का सौ तक नहीं दीन जाल लगाए, उनके सौ का नगर पालिका और ग्राम पंचायत के द्वारा जो है दाह संस्कार किया जाता है, किंतु हालात यहां तक है कि लोग जो है तैयार नहीं आई, शासन प्रशासन अपन जिम्मेदारी जो है नहीं सही निभा पा रहा है, और लापरवाही के ऐसा मंजर है कि आगामी दिनन में जब कोरोना जो है विस्फोट कह सका थे, कहे कि परिजनन के साथ बैठ बैठ सोची कि इनकर देख रेख के व्यवस्था शासन प्रशासन की जिम्मेदारी आए, ता परिजनन का बैठाए के उठे उनकर कोरोना पेशेंटन के व्यवस्था दिखवाए रहे हैं। हालात यह है कि पेशेंट के साथ बैठे लोग निश्चित तौर पर कोरोना बम हुई, और निश्चित तौर पर जब ही कौनो क्षेत्र में पहुंची ही तो एक बेहद बड़े जो कहा जाए जन समुदाय का संक्रमित कह सकते हैं, जो उन्हें पर सीधी जिला प्रशासन का तत्काल रूप से जो है यह चीज देखे चाहिए, यह व्यवस्था देखे चाहिए और लापरवाही का दूर करे चाहिए। यह पूरे मामला में ग्राउंड जीरो में पहुंचा एमपी संदेश न्यूज 24 हमने साथ चल रहा वीडियो देखा तो यह पूरे मामला में कलेक्टर हो सीएमएचओ से बातों की गई ही, तो सुनाऊ आगे पूरा बयान देदी क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में। हम कनीश तिवारी अपना पंजीयन का सभी जन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी ये बेहद बड़ी खबर के, जहां देश में यह महामारी से हाहाकार की स्थिति है, लोगन के स्थिति देख के आंखी से आंसू नहीं बंद हुए, किंतु हालात यह है कि सीधी मां या में वार्ड कोरोना वार्ड देख के अपनो चौक गए हो। हालात यह है कि हम मरीजन के लगे परिजन बैठे, परिजन जूता चप्पल पहन के बैठे, न कौनो पीपीई किट, न कौनो मास्क, न कौनो सोशल डिस्टेंसिंग। हालात यहां तक है कि उनका कोई मनाव करे वाला नहीं आए, सीधी मां खोखले दावन के चलते लोगन की जान जोखिम में डाली जा लगी। प्रशासनिक अधिकारी आखिर इतने लापरवाह कैसे हो चुके थे कि कोरोना वार्ड में परिजनन का अनुमति दे के वहां बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठावा गया है। सोची कि जो देख रेख की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के आए वो परिजनन के जैसा हवाले कैसे किए जाए, इसका सवाल बेहद बड़ा है। हालात यह है कि सीधी मां कलेक्टर रहू जब सीएमएचओ से बारे में बात किए गए तो सारा ठीकरा जो है आम जनता के ऊपर फोड़ दिन का कहा गया कि उनका मना मना किए जाते हैं, मनते नहीं आई। सवाल यह है कि यदि वो संक्रमित भे और एक बेहद बड़े समुदाय का संक्रमित कह दिए तो का स्थिति भगवान भरोसे न हुई जी। हालात यह है कि सीधी मां लगातार गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते जो है पूरी व्यवस्था चौपट हो रही है। कलेक्टर और सीएमएचओ के द्वारा यह बात जो है गैर जिम्मेदाराना तरीके से कही जा लगी कि आखिर आम जनता वह कोरोना वार्ड में चली जाती तो हम क्या करी, जबकि सीधे तौर में यह बात थी कि आम जनता खीतिर कोरोना वार्ड में बिना पीपीई किट पहने जाए के अनुमति कहो नहीं आई, किंतु सीधी मां यदि यह नजारा दिखा लग है तो अपना सोच ले कि कितने गैर जिम्मेदार अफसरन के बीच सीधी के मासूम लोगन की जिंदगी है। हालात यह है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ये मां कौनो व्यक्ति गंभीर रूप से संक्रमित हो के गांव पहुंच जाए और सोची कि वह गांव पहुंचे के बाद वह बड़े समुदाय में वह संक्रमण पहुंचा दी तो सोची हालात का हुई। सवाल बेहद बड़ा है और यह सवाल के जवाब जिला प्रशासन उसे में जो प्रबंधन का दे चाहिए, किंतु हमारे द्वारा जब पूछा गया तो उनका यह गैर जिम्मेदाराना बयान सुन के अपनों को हंसी आई। तो सुनी कलेक्टर उसे में जो के पूरा बयान, अपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। नहीं, ये मनाही तो है, नहीं जाना चाहिए, हमारे स्टाफ को भी देखना चाहिए। दूसरा, परिजन लोगों को भी ये मालूम है, पूरी दुनिया में मुझे लगता है जितना कोरोना का प्रचार किया गया है, जानकारी दी गई है जागरूकता से लेकर बचाव पक्ष तक, उतना किसी अन्य बीमारी का कभी प्रचार प्रसार हुआ नहीं। पूरा अखबार रंगा रहता है, पूरे दूरदर्शन, रेडियो, तो ये सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। कई बार परिजन भी लड़ने लगते हैं स्टाफ से, हमारे यहाँ नहीं, ये दिखवाना पड़ेगा। कल जरूर एक शिकायत मेरे पास आई थी, तो हमने पुलिस के लिए भी बोला था कि जाकर देखेंगे कहीं परिजन का था कुछ इशू था, लेकिन सुधार की तो हमेशा गुंजाइश है। जिला अस्पताल में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा और बेहतर हॉस्पिटल।